दूध पिलाने वाली औरतें और हमल से जो औरतें हैं, क्या उनके बारे में ये कहा जाए कि वो रोज़ा रखेंगे या ये कहा जाए कि वो रोज़ा नहीं रखेंगे? वो किस कैटेगरी में जाएंगे? वो औरतें जो हामिला हैं और वो औरतें जो दूध पिला रही हैं बच्चे को, तो उनका हुक्म क्या होगा? देखिए, अभी कुदरत की बात मैंने कही है, अगर इस काम के साथ साथ हमल और रिदायत के काम के साथ वो रोज़ा रखने पर कादिर हैं, जिस्म के अंदर इतनी क़ुव्वत पा रही है कि रोज़ा रख लें, जिस्म पर ज़रर नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा मशक्क़त में नहीं पड़ेंगे और बच्चे का मामला अगर है तो बच्चे के ऊपर ज़रर नहीं आएगा, यानी अपने नफ्स पर ज़रर और बच्चे के दूध पिलाने वाले का मामला है कि बच्चे पर और हमल से जो है उसके अपने पेट के अंदर जो हमल है उस बच्चे पर, बच्चे के ऊपर ज़रर नहीं आएगा। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो रख सकते हैं, यानी वो रोज़ा रखने की ताकत अपने जिस्म में पा रही है और किसी के ऊपर कोई ज़रर नहीं, ना तो उसके अपने नफ्स पर, ना ही उस बच्चे के ऊपर जो पेट में है या दूध पी रहा है, उनके ऊपर कोई ज़रर नहीं, वो रोज़ा रख सकती है। और अगर इनमें से कोई शक्ल है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मशक्क़त में पड़ जा रही है, या ज़रर उनकी ज़िंदगी में आ जा रहा है, या उनके बच्चे के ऊपर ज़रर का अंदेशा, ऐसी कोई कंडीशन अगर है तो रोज़ा छोड़ सकती है, रोज़ा छोड़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि छोड़ देने के बाद क्या वो अदा करेंगी, बाद में अदा करेंगी या कज़ा नहीं करेंगे? हामिल और मुर्दे बाद में कज़ा करेगी, वो औरत की नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, फ़ाइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जितने दिन नहीं रखे हैं उतने दिन बाद में कज़ा कर लें। लेकिन हामिल और मुर्दे को किसके साथ जोड़ेंगे? मर्ज़ के साथ। वो मरीज़ तो नहीं, लेकिन मरीज़ के दर्जे में है हामिल और मुर्दे। जैसे मरीज़ मर्ज के आने की वजह से उसके अंदर की क़ुव्वत कम हो जाती है और वो कमज़ोर हो जाता है और उस कमज़ोरी की वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाता, यही कंडीशन उस औरत को होती है जो हालत हमल से गुज़र रही हो या बच्चों को दूध पिला रही हो, गोया कि वो भी मरीज़ है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें मरीज़ तो नहीं क्योंकि तंदुरुस्ती अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मरीज़ के दर्जे में है, मरीज़ के हुक्म में है। तो मरीज़ अगर बाद में कज़ा करना है मरीज़ को तो ये भी कज़ा करेगा। बाज़ अहले इल्म का कहना है कि कज़ा के साथ साथ उसे एक मिस्कीन को खाना भी खिलाना है, और कुछ लोगों ने इसमें तफसील भी की है, कहा बच्चे की वजह से अगर छोड़ रही हैं तो हुक्म अलग होगा, अपनी वजह से छोड़ रही हैं तो हुक्म अलग होगा, कुछ लोगों ने इस तरह की भी बात कही है। राजह बात यह है कि वो सिर्फ कज़ा करेगी और उसके साथ खाना नहीं खिलाएगी। खाना खिलाने वाली बात बहुत सारे मोतबर अहले इल्म ने भी कहे हैं, लेकिन बज़ाहिर दलाइल को देखने के बाद नहीं लगता कि कज़ा के अलावा भी कुछ उसको करने हैं, सिर्फ़ कज़ा करना है उसको, सिर्फ़ कज़ा उसे कर लेने हैं, कहीं कोई कोताही और किसी तरह का कोई मामला उसकी तरफ से नहीं है।
ये सब कुदरती चीज़ें हैं कि जिनसे वो गुज़र रही है। तो ये रुख्सत अल्लाह की तरफ से थी और ये हुक्म रब्बे करीम की तरफ से है, छोड़ दो और रख लो। छोड़ने की कंडीशन उसके अपने तरफ से है या उसके बच्चे की तरफ से है, दोनों की इजाज़त है, वो छोड़ सकती है। वो मरीज़ ही जैसी है, क्योंकि यहाँ भी वही सूरत हाल है जो मरीज़ की सूरत हाल है। मरीज़ को बाद में उसकी क़ज़ा करनी है और उसके साथ कुछ मिस्कीन वगैरह को खाना नहीं खिलाना है, वही सूरत हाल इसको भी है कि ये क़ज़ा करेगी और उसके साथ किसी मिस्कीन को खाना नहीं खिलाएगा। मिस्कीन को खाना खिलाने वाला मामला सिर्फ एक शक्ल में है, क़ज़ा देने की कुदरत ना, कुदरत नहीं है। क़ज़ा करने का इम्कान उसकी ज़िंदगी में बज़ाहिर नज़र नहीं आता। नज़र नहीं आता का मतलब ये नहीं कि वो लगातार कर्ज पे कर्ज उसके ऊपर आ रहा है, हर साल का कर्ज, और वो कर्ज को पूरा नहीं कर पा रही है। ये इम्कान से मुराद नहीं है कि भाई पिछले साल भी इसकी वजह से छोड़ दिया, मिसाल के तौर पर हमल की वजह से छोड़ दिया, आने वाले साल में रज़ात की वजह से छोड़ दिया, उसके बाद वाले साल में किसी और वजह से छोड़ दिया। उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मसला आता रहा और वो हर साल छोड़ती रही। तो अगर किसी की ये शक्ल हो तो क्या वो क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी देगी? कफ़ारे की बात ये रब्बे करीम की तरफ से नहीं है, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। ये अहले इल्म का इज्तिहाद है और वो इज्तिहाद ज़्यादा करीब है जो मरीज़ या बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतों के ऊपर अगर कयास किया जाए तो वो ज़्यादा करीन कयास है कि जो बाद में क़ज़ा किसी भी हाल में कर सकते हैं वो सिर्फ क़ज़ा करेंगे, और जो क़ज़ा करने की ताकत अपने अंदर नहीं पा रहे हैं कमज़ोरी की वजह से, तो वो लोग क़ज़ा नहीं करेंगे बल्कि हर रोज़ के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला देंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी मशक्क़त के साथ साथ ये औरतें जो हामिल और मुर्दे हैं अगर रमज़ान का रोज़ा रख लेती हैं तो उनका रोज़ा सही है। ऐसा नहीं कि उनका रोज़ा सही नहीं होगा, थोड़ी बहुत मशक्क़त आती है लेकिन इतनी नहीं कि उनके बर्दाश्त के बाहर हो या कोई ज़रर उनकी ज़िंदगी में आ रहा हो। थोड़ी बहुत मशक्क़त के साथ में अगर वो रोज़ा रखने पर कादिर हैं और रख ले रही हैं तो उनका रोज़ा सही है, रोज़े में कोई कमी नहीं होगी।